हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि अपने जीमेल अकाउंट का पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे चेंज करते हैं। तो गूगल क्रोम में जाइएगा। गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सर्च बार मिलेगा। सर्च बार में आप साइन इन लिखिए। साइन इन पे आप करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन इन गूगल अकाउंट, यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका वो जो आईडी में आपको चेंजेस करना है वो आईडी आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका एक ही आईडी है तो इस तरह से नहीं शो करेगा, आपको वही आईडी शो करेगा। हमारे पे ढेर सारा आईडी लॉगिन है इसलिए ऐसा दिख रहा। तो जिसमें हमें चेंजेस करना है वो हमने सिलेक्ट कर लिया। हम पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अगर आप पहले से अगर लॉगिन है तो आप राइट कॉर्नर में अप साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे आपको इस तरह से आपका फोटो है जो भी आपने लगाया है वो दिख जाएगा। तो इस तरह से जाने के बाद अगर आप पहले से अगर आप लॉगिन हैं तो आप अपने राइट कॉर्नर पे फोटो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज योर अकाउंट पे, मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करके आप इस जगह पे, इस पेज पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए होम पे आपको इस तरह से वेलकम विकास विश्वकर्मा, यहाँ पे आपका ये होम है। पर्सनल इन्फो में जाएंगे। पर्सनल इन्फो में जाने के बाद अगर आप फोटो चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से फोटो ऐड अ फोटो पर्सनलाइज योर अकाउंट, इस पर क्लिक करके आप कोई भी एक फोटो ऐड कर दीजिए। यहां पे सिलेक्ट अ फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर, यहां से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम ये फोटो सिलेक्ट कर ले रहे हैं, अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद आप इसको सेटअप कर सकते हैं, कितना आपको चाहिए बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का फोटो यहाँ पे सेट एज प्रोफाइल फोटो, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो प्रोफाइल पे हमारे फोटो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फोटो चेंज हो चुका है दोनों जगह पे। अगर हमें फोटो हटाना है तो सेम इसी पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करके हम कोई और फोटो हम सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी फोटो हम ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ से सेटअप और चेंज कर सकते हैं। चलिए सेकंड ऑप्शन आपको बताते हैं, नेम कैसे चेंज करना है। तो आपको यहाँ पे देखिए नेम पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसा नेम में कोई चेंजेस करना है या फिर किसी और का नाम डालना है, सपोज मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, एच डाल देता हूँ लास्ट में, यहाँ पे विश्वकर्मा पूरा नहीं लिखता हूँ, इतना ही लिखता हूँ, और ये हम सेव कर देंगे। इस तरह से सेव करने के बाद यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे। तो देखिए नेम चेंज हो चुका है, देखिए विकास विश्व हो गया है। और उसके बाद हमें अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी हमें ईयर चेंज करना है या डे चेंज करना है कुछ, सपोज हम डे चेंज कर लेते हैं, चलिए हम 11 डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद सेव कर देते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप 26 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, क्या ये कन्फर्म है, करेक्ट है? तो चलिए कन्फर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए अपडेट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। गूगल अकाउंट हम रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 11 जुलाई 1994 हो गया। बाद में यहाँ पे अगर आपका जेंडर चेंज करना है तो सेम प्रोसेस, यहाँ पे आप राइट कॉर्नर में क्लिक करिए। फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट कर लीजिए, मेल है तो, अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो फिर आपकी चॉइस। तो मेल पे हमने सिलेक्ट कर लिया है और इसको हम चेंज नहीं करते हैं, जैसा आपको बता रहे हैं कि यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें मेल पे ही रहने देना है, हमें चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। लास्ट पासवर्ड आपका चेंज हुआ था अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था। आप लास्ट पासवर्ड, आप पासवर्ड आप कैसे चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक, पासवर्ड के बाद जो पासवर्ड दिख रहा है डॉट 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 करके दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको टू कंटिन्यू फर्स्ट वेरीफाई इट्स यू, अगर आप ही हैं तो यहाँ पे आपका पासवर्ड डालिए, पुराना वाला, पुराना पासवर्ड डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्योंकि ये इसलिए वेरीफाई करता है क्योंकि कोई आपका दूसरा, कोई कोई भी आपका पासवर्ड चेंज कर सकता है अगर नहीं वेरीफाई करेंगे तो।
तो इस तरह से वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया न्यू पासवर्ड। न्यू पासवर्ड आप जो भी रखना चाहते हैं, कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और उसके बाद स्मॉल होना चाहिए, एट द रेट लगा के कोई भी नंबर आप चूज़ कर लीजिए। हमने डाल दिया है तो यहाँ पे देखिए न्यू पासवर्ड, यहाँ पे कंफर्म न्यू पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए योर पासवर्ड वॉज चेंज्ड यहाँ पे आ गया, आपको पासवर्ड अभी चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम पासवर्ड चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप चाहे तो सेव कर लें, नहीं चाहिए तो नहीं करिए, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो में अगर आप चाहते हैं कि जो आपने ईमेल आईडी डाला था रिकवरी के लिए, अगर आप वो ईमेल आईडी अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए। आप जो यहाँ पे फर्स्ट आपका ईमेल आईडी जो आप देख रहे हैं vv0587111@gmail.com, यहाँ पे यही लिखा हुआ है गूगल अकाउंट ईमेल, द एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई योर गूगल अकाउंट टू यू एंड अदर्स, यू कांट चेंज दिस एड्रेस, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ये आपका यही रहेगा जो आप एक बार बना लेंगे। हाँ, यहाँ पे आपको अगर चेंज करना है तो आप रिकवरी ईमेल आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी ईमेल डालिए, यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक करके आपके वो ईमेल एड्रेस पे कोड जाएगा, वो कोड यहाँ पे एंटर कर दीजिए, हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्टैक्ट इन्फो, अगर ये चाहते हैं कि दिस एड्रेस वेयर टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मोस्ट ऑफ द गूगल प्रोडक्ट यू विद दिस, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी तरह का कॉन्टैक्ट ईमेल और किसी और मेल पे आए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई आपके पास कोई अल्टरनेट ईमेल अगर है, इसके अलावा कोई और ईमेल भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड अल्टरनेट ईमेल पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो द ईमेल एड्रेस दैट यू कैन शेयर विथ अदर्स क्रॉस गूगल प्रोडक्ट लाइक ड्राइव एंड फोटो। तो इस तरह से आज के वीडियो में ये था कि हम किस तरह से नेम चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी का। तो वीडियो को वीडियो लाइक है तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।